नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। बड़ी खबर में देखिए, रात 12 बजे पीएमसीएच पहुंचे तेजस्वी यादव, डॉक्टर्स को लगाई फटकार। गंदगी और वार्ड में कुत्तों को देख हुए नाराज, सफाई एजेंसी पर 25,000 फाइन। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को देर रात ब्लू टी शर्ट में सिर पर टोपी लगाए बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वह मरीजों के परिजन ने उनसे शिकायत की कि ज्यादातर दवाई बाहर से लानी पड़ रही है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी मरीजों के परिजनों ने तेजस्वी को शिकायत के नई सरकार के गठन के बाद से वे पहली बार पीएमसीएच का हाल जानने पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर में देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, 60 दिनों के भीतर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में हो जाएगा सुधार। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार की आधी रात बिहार के कई अस्पताल में पहुंच गए। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंदगी और व्यवस्था देखकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने सभी की क्लास लगा दी। इसी बीच बिहार के अस्पतालों में बे इंतजामी को लेकर डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा, इस पर हम काम करेंगे। इस काम को करने की जिम्मेदारी सभी लोगों को दी गई है। उम्मीद है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में जल्द सुधार होगा। हम बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने चाहते हैं। 60 दिनों के अंदर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। पहली खबर में देखिए, 21 सितंबर को होगा 67वीं बीपीएससी पीडी का री एग्जाम। 8 मई को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सभी केंद्रों की परीक्षा की गई थी रद्द। जी हां, बीपीएससी 67वीं पीडी का परीक्षा 21 सितंबर को ही ली जाएगी। अभ्यर्थियों की मांग थी कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा को देखते हुए तिथि में बदलाव किया जाए, लेकिन आयोग ने तय किया है कि बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा 21 सितंबर को ही ली जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने पहले कहा था कि अभ्यर्थियों की संख्या 6 लाख से अधिक होने की वजह से परीक्षा 2 दिन की जाएगी और परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, पुलिस लाठी चार्ज भी इन्हें झेलना पड़ा। अभ्यर्थियों की मांग थी कि परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं किया जाए और परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में ली जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और परीक्षा एक ही दिन में एक ही पाली में ली जा रही है और इसमें परसेंटाइल सिस्टम भी लागू नहीं हो रहा है। बड़ी खबर देखिए, बिहार के गया में अक्टूबर तक शुरू होगी डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी रोपवे का काम, एजेंसी की खोज हुई शुरू। जी हां, गया के डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर 22 करोड़ रुपए से रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। रोपवे निर्माण के लिए एजेंसी की खोज शुरू हो गई है। डोंगेश्वरी रोपवे की अनुमति लागत 14.87 करोड़ रुपये, जबकि ब्रह्मयोनी रोपवे की अनुमानित लागत 7.54 करोड़ रुपये आकी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने टेंडर निकालकर एजेंसियों से दोनों रोपवे के डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और संचालन से जुड़े काम के लिए निविदा आमंत्रित की है। इसके लिए 22 सितंबर की अंतिम तारीख तय की गई है। इसी दिन तकनीकी निविदा खोली जाएगी। पर्यटन विभाग के वरीय अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर तक डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनने वाले रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। खबर, शरद पवार से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश के विकास के लिए अच्छा रहेगा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश के विकास के लिए अच्छा रहेगा, हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमारा निजी कुछ नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि सभी एकजुट हो जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से बात की तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, देश को कब्जा करने की कोशिश हो रही है, ये लोग प्रचार में लगे हुए हैं। बड़ी खबर, पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म, डिप्टी सीएम तेजस्वी का भरोसा आया काम। यह राजधानी पटना के लोगों के लिए सुबह सवेरे की एक अच्छी खबर है। पिछले 10 दिनों से चल रही नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहल आखिरकार रंग लाई है और तेजस्वी यादव के भरोसे के बाद ही हड़ताली कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की 11 सूत्री मांगों को तेजस्वी ने विचार करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने जुड़े नेताओं ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है।
खबर में देखिए, 5 जिलों को छोड़कर आज पूरे बिहार में वज्रपात का अलर्ट, इन इलाकों में हो सकती है बारिश। जी हां, मौसम विभाग ने बिहार के 33 जिलों में मंगलवार को वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। वहीं शुक्रवार को भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ ही बारिश हो सकती है। इन जिलों में एक दो जगहों पर ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, माधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में बारिश और वज्रपात की आशंका है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अक्टूबर से होगी जातिगत जनगणना। जी हां, बिहार में जातिगत जनगणना अब सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में होगा। दरअसल राज्य में सितंबर और अक्टूबर महीने में संभावित नगर निकाय स्तरीय चुनाव को लेकर जातीय आधारित जनगणना का पेच अभी भी फंस सकता है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए हर स्तर से तैयारी की जा रही है, चाहे वह सामान्य प्रशासन विभाग हो या जिला स्तर हो। आपको बता दें कि जातीय आधारित जनगणना ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड से भी होना है। इसके लिए एक ऐप बनाने की तैयारी है, सितंबर तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। इस ऐप में प्रगणक ऑनलाइन मोड से संबंधित परिवार की पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा एक फॉर्म भी भरा जाएगा जिसमें मौजूद कलम और फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस फॉर्म को विभाग और जिला दोनों स्तर पर छपवाने की तैयारी में है। खबर में देखिए, बिहार में अब घर तक ऑनलाइन मंगाए गांव या कस्बे का नक्शा, इस वेबसाइट से करें अप्लाई। जी हां, अब राज्य के नागरिक अपने गांव और कस्बे का नक्शा ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सामान्य शुल्क का भुगतान करना होगा। डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर से पहुंचा देगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने मंगलवार को नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की है। विभाग 3 साल से काम में लगा था। मेहता ने कहा कि घर तक नक्शा पहुंचाने वाला बिहार इस देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल नक्शे से जमीन विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन नक्शा मंगाने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.government.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मिल रहे निर्देशों का पालन करते हुए अपने मोजे के नक्शा का ऑर्डर और उसका ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एक सीट के नक्शा के लिए 285 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें कंटेनर का शुल्क और डाक वेब शामिल है। एक बार में एक कंटेनर में 5 सीट का ऑर्डर किया जा सकता है। खबर में देखिए, गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम, प्रतिपक्ष से पहले सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। फाल्गुन नदी में पूरे साल रहेगा पानी। जी हां, बिहार के गया में फाल्गुन नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। 411 मीटर लंबे इस डैम का निर्माण विष्णुपद मंदिर के पास किया गया है। धार्मिक नगरी गया में 9 सितंबर से प्रतिपक्ष मेले की शुरुआत होने से एक दिन पहले 8 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। फाल्गुन नदी में सिर्फ बारिश के मौसम में ही सतह पर पानी होता है, बाकी दिनों में पानी नहीं रहता है। मान्यता है कि गया में बहने वाली फाल्गु नदी माता सीता से श्रापित है। मान्यताओं के अनुसार पिंड दान के बाद तर्पण के लिए इस नदी का जल जरूरी होता है, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से न सिर्फ पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों को भी असुविधा होती थी। इसी को देखते हुए फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण कराया गया है। अब नदी में साल भर सतह पर पानी रहेगा और पिंड दान करने आए लोगों को समस्या नहीं होगी। बड़ी खबर में देखिए, जेपी गंगा पद पर अगले महीने से सैर कर सकेंगे लोग, पेवर ब्लॉक तक काम शुरू। जी हां, जेपी गंगा पद पर लोगों को टहलने के लिए अक्टूबर से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। सड़क के दोनों ओर लगभग 5 किलोमीटर में पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा ताकि लोग यहां सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सके। पेवर ब्लॉक लगाने के पहले दोनों ओर मिट्टी की भराई भी शुरू कर दी गई है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में गंगा एक्सप्रेसवे 7.5 किलोमीटर तक बनकर तैयार है, जिस पर वाहनों का आवागमन हो रहा है। दीघा रोटरी से PMCH तक वाहनों का परिचालन होता है। इसमें 5 किलोमीटर सड़क मिट्टी डालकर बनाई गई है। शेष सड़क एलिवेटेड है। जहां सड़क की चौड़ाई 40 मीटर है, वहां दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। अभी मात्र 200 मीटर एरिया में ही पेवर ब्लॉक है, जहां लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर एरिया में इसके लगने से एक्सप्रेसवे पर लोगों को मॉर्निंग वॉक करने में सुविधा हो जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में एक और एम्स अस्पताल के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। डीएमसीएच ने पहले चरण में 81.9 एकड़ दी जमीन। जी हां, एम्स के निर्माण का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। मंगलवार को समाराहालय में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कृपानाथ मिश्रा ने एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर माधव चांद कार को 81.09 एकड़ जमीन का कागज हस्तगत कराया। आपके जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में दरभंगा एम्स खोलने की घोषणा हुई थी। इसके लिए डीएमसीएच को 200 एकड़ जमीन देना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 55 एकड़ जमीन दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वापस करने को कहा गया, इससे बात फंसी गई थी। हालांकि निर्माण की घोषणा के बाद से ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या आ रही है। बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए नोटिस हुआ जारी। जहां नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2023-24 के लिए जेएनवी कक्षा 9वीं के एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिया है। जो माता पिता अपने बच्चे का दाखिला नवोदय विद्यालय में करना चाहते हैं, वे जेएनवी की आधिकारिक वेबसाइट nbsadmissionclass9.in के माध्यम से जेएनवी कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। जेएनवीएसटी कक्षा 9वीं एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2022 रखी गई है। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 14 से 20 सितंबर तक। जी हां, बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-24 की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा राज्य भर के जिला मुख्यालय में 14 से 20 सितंबर तक ली जाएगी। ऑनलाइन विधि से होने वाली यह परीक्षा 3 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 8 से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली 12 से 2:30 बजे तक और तीसरी पाली 4 से 6:30 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र 6 सितंबर को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर से उपलब्ध लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस जिले में जमीन खरीद बिक्री करने वालों के लिए फ्री बस घर से ले आएगी और फिर वापस भी छोड़ेगी। जी हां, भोजपुर जिले में जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय लाने और ले जाने के लिए अब निबंधन विभाग बस की व्यवस्था करेगा। इसके लिए उनसे किसी प्रकार का कोई किराया भी नहीं लिया जाएगा। उन्हें फ्री में घर से निबंधन कार्यालय लाएगा और निबंधन होने के बाद फिर वापस घर बस से ही भेजेगा। ऐसा क्रेता विक्रेता की सुविधा, दलालों से होने वाली परेशानी, फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाने और राजस्व हित को देखते हुए किया जा रहा है। जिले में यह व्यवस्था 19 सितंबर से लागू होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।